हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा सीएससी स्कॉलरशिप जो लोग अप्लाई करते हैं या कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई करते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो उनको ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी हैं, कौन से ऑप्शनल हैं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो है बेसिकली उसके बारे में मैं बात करूँगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे इस बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एक्सेट्रा। अभी मैं बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और आई थॉट कि अभी अबाउट 2 आवर्स हैं फ्लाइट में, तो क्यों ना जो है वो इस वीडियो को कंपाइल किया जाए। एनीवेज, मेरा नाम नुशरवान है और मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ जो कि चाइना में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर या किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर आकर पढ़ना चाहते हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस पर जो है वो चाइना में आकर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का स्टडी इन चाइना से रिलेटेड या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका क्लियर रिप्लाई करूँगा। मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/thenosh। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होता है सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए और जो आपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं उसमें सबसे जो एसेंशियल चीज़ होती है वो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। कोई भी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट है, चाहे आप वो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं या आप सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मस्ट है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ्स जो है होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट जो है वो सीएससी की तरफ से मेंशन नहीं है, बट प्रेफर किया जाता है इंटरनेशनली कि आप वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो यूज़ करें। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके हाईएस्ट डिग्री जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ज़रूरी हैं। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट्स को आप हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हैं, जो आपको डिग्री मिलती है बेसिकली वो हाईएस्ट सर्टिफिकेट होता है आपका, और आपने वो सीएससी की वेबसाइट पर उसको अपलोड भी करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि नोटराइज अपलोड करें या ओरिजिनल स्कैन करके उसको अपलोड करें, तो सीएससी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपने नोटराइज्ड कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले जो अपना जो आपकी डिग्री है उसको नोटराइज़ करवा लें। नोटराइजेशन के लिए आप किसी भी पाकिस्तान में लॉयर से जो है वो इसको करवा सकते हैं। नोटराइज़ आप अपनी किसी भी कचहरी करीबी कचहरी में चले जाएं, वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, वो आपको जो है वो उसको नोटराइज़ कर देंगे। नोटराइज्ड कॉपी जो है वो नोटराइजेशन हमेशा फ़ोटो कापी पर होती है, कभी भी ओरिजिनल पर नोटराइज़ की स्टैम्प नहीं लगती है। तो फ़ोटो कापी नोटराइज़ करवाएँ और उसको अपलोड करें। उसके अलावा जो सेकंड फोर्थ है वो है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, जो आपकी हाईएस्ट जो लास्ट आपकी एजुकेशन थी, जगह फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से मास्टर्स किया है या आपने लास्ट डिग्री बैचलर्स की है, तो आपकी वो डिग्री उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कंप्लीट रिजल्ट कार्ड नोटराइज्ड होना चाहिए और उसकी कॉपी जो है वो आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास इनमें से डिग्री नहीं है या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो उसके लिए आप जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से इशू करवा सकते हैं, उसको नोटराइज़ करवा लें और उसको अपलोड कर लें। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस डेट तक अनाउंस हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगी, देन आप जो है वो डिग्री जो है वो सेंड कर देंगे। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोज़ल। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल मस्ट है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो स्टडी प्लान हरगिज़ मत सेंड करें, अपना रिसर्च प्रपोज़ल सेंड करें, और विदाउट रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो आपका आपकी एप्लीकेशन जो है वो या फिर या तो कंसिडर नहीं की जाएगी या फिर वो बहुत वीक एप्लीकेशन होगी। इसलिए स्टडी प्लान या फिर आप जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो अपना सेंड करें।
इसके जो मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल के, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जो है वो सैम्पल्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो सिक्स डॉक्यूमेंट है वो है रिकमेंडेशन लेटर। दो रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये वो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं जो आपको आपकी जो जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है वहाँ के प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो आपको देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का जो रिकमेंडेशन लेटर है वो अमूमी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली पाकिस्तान से जो है उनकी ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि यार हमारी यूनिवर्सिटी में कोई फुल प्रोफेसर ही नहीं है या हमारी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर नहीं है तो आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का लगवा लें, ये आपका मसला है, आपकी यूनिवर्सिटी का मसला है। चाइना में इनकी यूनिवर्सिटी का ये हरगिज़ मसला नहीं है। सो इट्स मस्ट कि आप जो है वो किसी भी प्रोफेसर से करवाएं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है जिसमें आपकी जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, सर नेम, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा, वो वाला पेज जो है वो साथ अटैच करना ज़रूरी है। इन केस कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो आई थिंक अगर आप लोग मार्च में अप्लाई करते हैं, मार्च में अमूमन जो है वो डेडलाइन होती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप जो है वो पासपोर्ट अप्लाई कर दें, आपको पासपोर्ट जो है वो टाइमली मिल जाता है तो आप उसके बाद अप्लाई करें। अगर आपके पास टाइम कम है और आप समझते हैं कि पासपोर्ट जो है वो टाइमली नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में आप जो है वो अपना CNIC कार्ड नंबर एंटर कर दें तो चल जाएगा, बाद में जो है उसको चेंज किया जा सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स में जब आप पोस्ट करते हैं तो आप अपना CNIC भेज दें इंग्लिश वाला, और जो पासपोर्ट है वो लेटर ऑन आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें या फिर बाय पोस्ट जो है वो सेंड कर दें जब आपको मिल जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन। ये बेसिकली मेडिकल फॉर्म होता है जो कि पहले तो ये होता था कि आपको यूनिवर्सिटी जो है वो डिमांड नहीं करती थी इसके लिए, लेकिन अब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप फिज़िकल एग्जामिनेशन जो है वो पहले बनवाएं और उसको CSC की वेबसाइट पे अपलोड करें। इसके लिए एक फॉर्म है, दो पेजेस का फॉर्म है, वो फॉर्म आप किसी भी डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, कोई भी हो, आप उसे फिल करवा कर, किसी भी सिटी का हो आप उसे फिल करवा कर, उसकी सेकेंड पेज पर उसकी स्टैम्प और सिग्नेचर होने चाहिए, वो आप करवा कर जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने वो जो फॉर्म होता है वो इंक्लूड करना होता है। उसके लिए मैं, अगर आपके आपको फॉर्म चाहिए मेडिकल, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास लिंक ओपन नहीं होता है या कोई भी मसला तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको फॉर्म जो है वो डायरेक्टली सेंड कर दूँगा। उसके अलावा जो अब वो रिक्वायरमेंट्स बाकी जो मैं बताऊँगा वो हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है या फिर वो हैं जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना ज़रूरी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सच एज़ USTB, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग, और इस तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें IELTS जो है वो मांगा जाता है या TOEFL मांगा जाता है, और वो मस्ट है। आप उसके अल्टरनेटिव जो है वो अगर आप कहें जी कि मैं आपको अपना यूनिवर्सिटी से लिया गया सर्टिफिकेट जमा करवा दूंगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको लाजमी तौर पर जो है वो IELTS या TOEFL ही जमा करवाना होगा। अगर बहुत से मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपका यूनिवर्सिटी लेटर जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी से कहें, वो आपको एक यूनिवर्सिटी लेटर बना देगी, उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप टाइटल करवा लें उसका, और वो आप जो है वो यूनिवर्सिटी को सेंड कर दें, तो दैट विल बी इनफ। और उसका भी टेम्पलेट जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं ओपन आता तो आप मुझसे डायरेक्टली मांग सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, अगर आप मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, या आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आप उनको ज़रूर जो है वो मेंशन करें,
और जितनी भी आपकी पब्लिकेशंस हैं उनको जो है वो एक ही वर्ड फाइल में उनको पेस्ट करें, उनका फर्स्ट पेज जो है, और उसको कन्वर्ट करें सेव एज पीडीएफ और उसको फिर आप अपलोड कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो डिग्रीज़ का भी करना है, क्योंकि आपकी मोर देन वन पेजेस होते हैं और वहाँ पर स्पेस सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करने की होती है, तो आप उसको एक ही वर्ड फाइल में आप उस इमेज को पेस्ट करें और उसको सेव एज पीडीएफ करके आप उसको अपलोड कर दें। इसके अलावा जो है वो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उसमें आप एक्सेप्टेंस लेटर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोफेसर ने, किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहब ने जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है तो आप वो वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए उसकी कोई जो है यहाँ पर स्पेस अवेलेबल नहीं है, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जो ऑप्शन है वहाँ पर आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि सर्टन जो स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं उनके लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िक स्कूल में जा रहे हैं या आप आर्ट्स किसी स्कूल में जा रहे हैं, एनिमेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो उसके लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो या अपनी वीडियो या आपका जो काम होता है वो आपको सबमिट करवाना होता है, वो आप CD पे या USB ड्राइव में या फिर आप इन शेप ऑफ बुकलेट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट जो है वो सबमिट करवाना होता है। ये ऑप्शनल होता है और ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप बीजिंग आर्ट्स कॉलेज में या बीजिंग फिल्म अकेडमी में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं तो अगर वो आपसे कहते हैं कि अगर इससे पहले आपने कोई वीडियो वगैरह बनाई है या कोई फिल्म शूट की है तो वो आप हमें सेंड करें, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको जो है वो अपनी CD वगैरह जो है वो सेंड करनी होगी। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। इसके अलावा इस वक्त मेरे जहन में कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं आ रहा है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। यूनिवर्सिटी को सेंड करने के लिए आप TCS, DHL या गवर्नमेंट का, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान पोस्ट से जो है वो सेंड कर सकते हैं। और बेहतर ये होता है कि आप स्प्रिंग फेस्टिवल की, जो चाइना की स्प्रिंग फेस्टिवल है, उन छुट्टियों में जो है वो आप डॉक्यूमेंट सेंड ना करें, क्योंकि ऑफिसेज क्लोज होते हैं। और फॉर एग्जांपल 2019 में जो स्प्रिंग फेस्टिवल है उसका February 1st से लेके February 10th तक जो है वो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्लोज़ होंगी और आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से ऐसे अरेंजमेंट्स के साथ आप डॉक्यूमेंट सेंड करें कि आपके या तो इससे पहले या फिर इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को रिसीव हों। और इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या स्कॉलरशिप्स के किसी और हवाले से आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने CSC की प्रोसीजर के हवाले से कुछ और वीडियोस बनाई हैं और आप वो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप बाकी वीडियोस भी जो है वो देख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ऑल्दो इट्स अर्ली मॉर्निंग, इस वक्त जो है यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे और एयरपोर्ट पे था, काफ़ी जो है वो सन्नाटा छाया हुआ था, तो आई थॉट इट्स अ गुड टाइम फॉर वीडियो। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।